वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें मैं कुछ इफ़ेक्टिव वर्ड्स बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हमें इफ़ेक्टिव वर्ड लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश तो हम सिंपल वर्ड सीख करके बोल सकते हैं, ईजी वर्ड जो जनरली हम यूज़ करते चले आ रहे हैं, उन वर्ड्स के साथ हम इंग्लिश को इजीली बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश बोलने के साथ साथ इंग्लिश के इफ़ेक्टिव वर्ड लर्न करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी इंग्लिश इफ़ेक्टिव होती है और मॉडर्न भी लगती है। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में इफ़ेक्टिव वर्ड लेकर आया हूँ, जिसे हम ईडियम्स भी कहते हैं। ईडियम और फ्रेज वर्ड से हमारी इंग्लिश इफ़ेक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, आज आप सीखेंगे कुछ इफ़ेक्टिव वर्ड्स, और इफ़ेक्टिव वर्ड्स के साथ इंग्लिश को आप हर जगह बोलिएगा, अपने डेली रूटीन में बोलिए। इन इफ़ेक्टिव वर्ड्स के साथ इंग्लिश को आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, डेली रूटीन में इस तरह के वर्ड्स का यूज़ ज़रूर करें, ताकि आपकी इंग्लिश इफ़ेक्टिव लगे। फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं फर्स्ट ईडियम, राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन, इसका हिंदी मीनिंग होता है काम के लिए तैयार होना। जब हम किसी से कहते कि चलो उठो, अपने काम पर लग जाओ, काम के लिए तैयार हो जाओ, चलो उठो, इस तरह के सेंस में इंग्लिश में इस ईडियम का यूज़ करते हैं। यदि हम इन दोनों वर्ड्स की अलग अलग हिंदी निकालें तो हिंदी कुछ डिफरेंट होगी, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे तरीके से भी इसका यूज़ करते हैं, जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक वर्ड के साथ ऐसा ही होगा। यदि हम वर्ड्स को तोड़ के अलग अलग करके सेपरेट करके उनकी मीनिंग निकालेंगे तो अलग निकलेगी, और उन दोनों को मिला करके एक नया वर्ड्स बनता है, नई मीनिंग बनती है, जिसका अर्थ हिंदी में अलग होता है। कम ऑन राइज एंड शाइन, चलो उठो और काम करो। कम ऑन राइज एंड शाइन, चलो उठो और काम करो। आप सभी वर्ड्स के सेंटेंस भी लर्न करेंगे और वर्ड्स भी लर्न करेंगे। आप सभी वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंस भी लर्न जरूर करते जाएं। नेक्स्ट वर्ड, टू गेट अ बाइट। टू गेट अ बाइट, कुछ खाने के लिए खरीदना। आई एम गोइंग टू गेट अ बाइट टू ईट। वुड यू लाइक टू ईट? मैं खाने के लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ, क्या आप खाना चाहेंगे? आई एम गोइंग टू गेट अ बाइट टू ईट। वुड यू लाइक टू ईट? मैं खाने के लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ, क्या आप खाना चाहेंगे? नेक्स्ट, आउट टू लंच। आउट टू लंच, विचारों में खोना। जब हम अपने विचारों में खो जाते हैं, सपने देखने लग जाते हैं, उस सेंस में आउट टू लंच वर्ड का यूज़ करते हैं। व्हेन आई वॉज टीचिंग, यू वर आउट टू लंच। जब मैं पढ़ा रहा था, तुम कहीं और खोए हुए थे। व्हेन आई वॉज टीचिंग, यू वर आउट टू लंच। जब मैं पढ़ा रहा था, तुम कहीं और खोए हुए थे। कैटनैप, इस बाइट का यूज़ आपने शायद सुना होगा। नैप बाइट का तो आपने यूज़ सुना ही होगा। नैप मीन्स होती है झपकी लेना, लेकिन बहुत छोटी झपकी लेना, 10-15 मिनट की, या फिर बहुत हल्की झपकी लेना, उसे बोलते हैं कैटनैप। कैटनैप मीन्स छोटी झपकी लेना या छोटी नींद लेना थोड़ी देर के लिए। आई हैव अ कैटनैप इन द आफ्टरनून डेली। मैं रोज़ दोपहर में झपकी लेता हूँ। आई हैव अ कैट नैप इन द आफ्टरनून डेली। मैं रोज़ दोपहर में झपकी लेता हूँ। नेक्स्ट, फ्रेशन अप, इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेश होना। आई थिंक यू नीड टू फ्रेशन अप। आई थिंक यू नीड टू फ्रेशन अप, तुम्हें फ्रेश होने की ज़रूरत है। आई थिंक यू नीड टू फ्रेशन अप, तुम्हें फ्रेश होने की ज़रूरत है। लेते हैं नेक्स्ट ईडियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अगर बोलेंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। हिट द बुक।
पढ़ना, रीड मीनिंग का यूज़ हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नई मीनिंग हमें मिल गई है। हिट द बुक, पढ़ना, किसी भी चीज़ को पढ़ना हो हम हिट द बुक का यूज़ कर सकते हैं। टुडे आई विल हिट द बुक, डेफिनेटली, मैं आज निश्चित ही पढ़ाई करूँगा। टुडे आई विल हिट द बुक डेफिनेटली, मैं आज निश्चित ही पढ़ाई करूँगा। नेक्स्ट वर्ड पुट समवंस फीट अप, आराम से लेटना या आराम करना। आई एम गोइंग टू होम एंड पुट माई फीट अप, मैं घर जाकर आराम करूँगा। आई एम गोइंग टू होम एंड पुट माई फीट अप, मैं घर जाकर आराम करूँगा। नेक्स्ट वर्ड वॉक इन द पार्क, इसका अगर आप हिंदी निकालेंगे, हिंदी मीनिंग निकालेंगे, तब इसका हिंदी मीनिंग होगा पार्क में घूमना। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है जिसे हम आसान काम के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। वॉक इन द पार्क मीन्स आसान काम, बाएं हाथ का काम। फॉर मी इंग्लिश इज लाइक अ वॉक इन द पार्क इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स, मेरे लिए इंग्लिश मैथ से ज़्यादा आसान है। फॉर मी इंग्लिश इज लाइक अ वॉक इन द पार्क इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स, मेरे लिए इंग्लिश मैथ से ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट वर्ड कुकिंग अप अ स्टॉर्म, बहुत सारा खाना बनाना। कुकिंग अप अ स्टॉर्म, बहुत सारा खाना बनाना या अधिक खाना बनाना, ज़्यादा खाना बनाना, उस सेंस में हम कुकिंग अप अ स्टॉर्म का यूज़ करते हैं। यू आर टू कम टू माई होम टूडे, आई विल कुक अप अ स्टॉर्म इन द आफ्टरनून, आपको आज हमारे घर आना है, मैं आज बहुत सारा खाना बनाऊंगी। यू आर टू कम टू माई होम टूडे, आई विल कुक अप अ स्टॉर्म इन द आफ्टरनून, आपको आज दोपहर में हमारे घर आना है, मैं आज बहुत सारा खाना बनाऊंगी। नेक्स्ट वॉच द बॉक्स, वॉच द बॉक्स मीन्स होता है टीवी देखना। आपने अक्सर सुना होगा वॉच टेलीविज़न या वॉच टीवी, यहाँ पर आप नया वर्ड देख रहे हैं वॉच द बॉक्स। टीवी देखने के सेंस में हम वॉच द बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। वी यूजुअली वॉच द बॉक्स इन द इवनिंग, हम ज़्यादातर शाम को टीवी देखते हैं। वी यूजुअली वॉच द बॉक्स इन द इवनिंग, हम ज़्यादातर शाम को टीवी देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड रेडी टू क्रैश आउट, थकने की वजह से तुरंत सोना। रेडी टू क्रैश आउट, थकने की वजह से तुरंत सोना। जब हम बहुत ज़्यादा किसी काम से थक जाते हैं और थकने के कारण नींद आ जाती है, जैसे बोलते हैं कि मैं बिस्तर पर जाते ही सो गया, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आई हैड टू लीव द ऑफिस बिकॉज आई वॉज रेडी टू क्रैश आउट, मुझे ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मुझे थकान की वजह से नींद आ रही थी। आई हैड टू लीव द ऑफिस बिकॉज आई वॉज रेडी टू क्रैश आउट, मुझे ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि मुझे थकान की वजह से नींद आ रही थी। लेते हैं अगला वर्ड स्लीप ऑन इट, आराम से सोचना या फैसला लेने से पहले सोचना, कोई भी काम सोच समझ कर करना, उस सेंस में हम स्लीप ऑन इट का यूज़ करते हैं। डोंट ज्वाइन दिस जॉब नाउ, डोंट ज्वाइन दिस जॉब नाउ, स्लीप ऑन इट एंड गेट बैक टुमारो, इस जॉब को अभी ज्वाइन मत करो, आराम से सोच समझ कर कल आना। डोंट ज्वाइन दिस जॉब नाउ, स्लीप ऑन इट एंड गेट बैक टुमारो, इस जॉब को अभी मत ज्वाइन करो, आराम से सोच समझ कर कल आना। नेक्स्ट वर्ड गेट इन टच, संपर्क में रहना या फिर स्टे इन टच, इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। संपर्क में रहना या फिर टच में रहना या मिलते जुलते रहना, इस तरह के सेंस में इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली बट आई विल गेट इन
टच। मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन संपर्क में रहूँगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली बट आई विल गेट इन टच। मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन संपर्क में रहूँगा। नेक्स्ट वर्ड मी टाइम। आपने अक्सर इस वर्ड को सुना होगा मी टाइम। मी टाइम का यूज़ अपने लिए समय बिताने के सेंस में किया जाता है या खुद के लिए समय निकालना, इस तरह के सेंस में भी मी टाइम का यूज़ किया जाता है। टुडे आई एम गोइंग विद यू बट टुमारो इज मी टाइम। मैं आज आपके साथ चल रहा हूँ। मैं आज आपके साथ चल रहा हूँ लेकिन कल का मेरा समय मेरे लिए है। टुडे आई एम गोइंग विद यू बट टुमारो इज मी टाइम। मैं आज आपके साथ चल रहा हूँ लेकिन कल का मेरा समय मेरे लिए है। नेक्स्ट वर्ड बर्न द मिडनाइट वाइल। देर रात तक काम करना। दिस नाइट आई विल बर्न द मिडनाइट वाइल फॉर यू। इस रात मैं आपके लिए देर रात तक काम करूँगा। दिस नाइट आई विल बर्न द मिडनाइट वाइल फॉर यू। इस रात मैं आपके लिए देर रात तक काम करूँगा। लेते हैं नेक्स्ट वर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिट द सेट सोने जाना। हिट द सेट सोने जाना या फिर सोने के लिए जाना या सोने सोने की इच्छा होना, इस तरह के सेंस में करते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ या मैं सोने वाला हूँ, मुझे सोना है, इस तरह के सेंस में हिट द सेट का यूज़ करते हैं। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो इट्स टाइम टू हिट द सेट। मुझे जल्दी जागना है इसलिए सोने जा रहा हूँ। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो इट्स टाइम टू हिट द सेट। मुझे जल्दी जागना है इसलिए सोने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स लेते हैं इस वीडियो का लास्ट वर्ड लूज टच। संपर्क खोना या संपर्क टूटना या दूर होना, इस तरह के सेंस में लूज टच का यूज़ करते हैं। स्टे इन टच विद मी एंड डोंट लूज टच। संपर्क में रहें, संपर्क मत तोड़ना। स्टे इन टच विद मी एंड डोंट लूज टच। संपर्क में रहें, संपर्क मत तोड़ना। फ्रेंड्स यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी मुझसे संपर्क ना तोड़ें, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने के साथ साथ यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है एक कमेंट जरूर लिखें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।